Hold up. What's up people, this is Raj. I'm going to begin my new channel and this is my new video. तो finally मैंने अपना एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट करा है और ये मेरा पहला ब्लॉग है. सो मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि चैनल स्टार्ट करूँगा. अब मेरे को लगता है कि मेरे को टाइम आ गया है चैनल स्टार्ट करने का. तो फर्स्ट वीडियो है मेरा यहाँ से जयपुर का. मेरा जो पहला ट्रिप है वो जयपुर का ट्रिप है. तो कीप इन्जॉय माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. टाइम इज़ 5 बज रहे हैं. मैं यहाँ से निकलूँगा पहले कानपुर, और उसके बाद कानपुर से मेरा ट्रेन है आज शाम का, और फिर मैं वहाँ से जाऊँगा जयपुर. घूमूंगा, एक्सप्लोर करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे एक जर्नी को कंप्लीट करते हैं हम अपनी. लेट्स कंटिन्यू. तो रेडी होते हैं हम. सो फाइनली गाइस मैं रेडी हो गया हूँ और टाइम हो रहा है 6:21. तो मैं यहाँ से अप्रॉक्स हाफ एन आवर में निकलूंगा यहाँ से. तो मेरी बस है, बस से मैं जाऊँगा कानपुर. फिर वहाँ से आपको वैसे बताया मैंने कि शाम को मेरी ट्रेन है और मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त. मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, कानपुर में ही रहता है वो. तो वो मुझे वहीं पर मिलेगा और फिर वहाँ से मैं उसके साथ जयपुर जाऊँगा. वहाँ पर 2 डे का स्टे होगा. तो जो वीडियो है वो 2 एपिसोड में आएगी. ठीक है, चलते हैं. सीन कुछ ऐसा है, हम पहुंच गए कानपुर और मिस्टर आकाश हमें लेने आ गए. तो यहाँ से हम उसके घर जाएंगे. आगे का कंटिन्यू करते हैं घर पहुंच के, क्योंकि मेरे पास बैग है, बहुत सारा सामान है. तो थोड़ा सा ब्लॉग करना मुश्किल हो रहा है. आप तब तक सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करिए. तो मैं हो गया हूँ रेडी और मैं यहाँ से थोड़ी देर में निकल रहा हूँ. हमारी ओला थोड़ी देर में आने वाली है और आकाश की भी सब पैकिंग हो गई है और वो अंदर गया किसी काम से. और आकाश का फेस रिवील करेंगे जब हम जयपुर पहुँच जाएंगे तब. और चलो आगे देखते हैं. हम कानपुर से जयपुर पहुंच गए हैं और यहाँ बहुत ठंड है. मतलब मुझे तो लग रही है इसका पता नहीं ना. सबसे पहले एक होटल देखते हैं अच्छा सा. और हमने जो देखा था वो काफ़ी दूर है यहाँ से. अब वहाँ तो मैं नहीं जा पाऊँगा. तो मैं सबसे पहले ना हम एक बाइक रेंट पे लेंगे, बाइक और स्कूटी कुछ भी. उसके बाद यहाँ से एक अच्छी सी जगह जाएँगे जहाँ पर मतलब ठीक सा रूम हो, जो मेरे को सिटी में पड़े और ज़्यादा घूमना फिरना थोड़ा ईजी रहे जहाँ से. तो अभी हम जयपुर स्टेशन पे हैं, आकाश फ़ोन कर रहा है यहीं पे. और दूसरी बात ये मेट्रो से, सॉरी आप यहाँ से निकलोगे ना जयपुर जंक्शन से, तो आपको मेट्रो लाइन में ही वो स्कूटी आपको मिल जाएगी. और जब आप होटल करने के बाद वापस आओगे आप यहीं पे सबमिट करके यहाँ से अंदर जा सकते हो. यार मेरे कभी ना पिंपल नहीं निकला, पर आज पता नहीं जब मैं घूमने निकला हूँ 2 साल बाद ये फिर से इतना बड़ा पिंपल मेरे खोपड़े पर नज़र आ रहा है. तो हम होटल में आ गए हैं. तो अब यहाँ पर भैया ने बोला कि थोड़ा वेट हो गया रूम देखने में. चेक आउट द रूम. मुझे तो ठीक लग रहा है. आकाश से पूछते हैं क्या सीन आकाश का. ठीक है, पहले हवा महल जाएंगे तो वो हमें पास पड़ेगा. उसके बाद हम जाएंगे जयगढ़ के फोर्ट. वहाँ मैं पहले एक बार घूम आया हूँ बट आकाश ने नहीं देखा है और आप लोगों का भी पता नहीं. आपने तो काफ़ी लोगों ने शायद देखा भी. हवा महल से जल महल 5 किलोमीटर. हाँ, तो मतलब सारा ना 10 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर के आसपास ही सारी चीज़ें हैं. सब देखेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, 2 दिन का ही टाइम है. ज़रा देख के बताओ कैसा लग रहा है यार. वो
स्कोप अच्छा लग रहा होगा, बट ये देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना यहाँ, ये साला इतना ही छोटा है। ऐसा लग रहा है किसी का घर बन रखा हो, मतलब मेन रोड पे इतना कॉम्पैक्ट है कि आप ना यहाँ पे फोटो भी नहीं क्लिक करा सकते अपनी, लिटरली यहाँ पे आपका फोटो सेशन नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। नॉर्मल आपको जैसे लोग सेल्फी ले रहे हैं ना, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे फोटो क्लिक करवाने का। पर हाँ, अगर आपको वैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का शौक है ना अगर, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो मैं पर्सनली देखा जाए ना तो अंदर जाके और बताऊंगा कैसा क्या है, बाहर से तो अच्छा लग रहा है देखने में। चलो ठीक है, अंदर चलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ ना क्या कैसा सीन है। चल मैं आपको दिखा रहा, ऐसा लग रहा किसी के घर में आ गए, कोई पुराना हवेली सी हो। ये क्या है, भविष्य दर्शन जमन पत्रिका। चलना किधर से मुझे पता नहीं, देखते हैं अंदर जाके कैसा क्या रहता है। इधर से भैया, किधर से जाना है? इधर से ये है, यहाँ से ये बिल्कुल मेरे को ना एकदम इंडियन ओल्ड स्कूल टाइप घर नहीं होते थे ना, बिल्कुल वैसे हैं। आकाश ना टिकट लेने गया, तो टिकट का कॉस्टिंग मैं आपको बता दूंगा अभी जब वो लेके आएगा, तो ज़्यादा महंगा नहीं है टिकट, आई थिंक 40-50। सारी टिकट मैंने देखी हैं, मतलब जितने भी आसपास के एरिया हैं उनकी किसी की टिकट ऐसी नहीं है कि 100 या 200 रुपए से ज़्यादा की हो। तो हेयर वी आर, ये सच में एक पुराने घर जैसा लग रहा है, जैसे गांव में घर नहीं बना करते थे पहले, बिल्कुल वैसा। तो सबसे अच्छी बात मुझे पता यहाँ की क्या लगी, कि ना यहाँ पे कैमरा अलाउ है, ज़्यादातर जगह पे ना कैमरा ही नहीं अलाउड करते हैं, तो बड़ा सीन हो जाता है। और मास्क लगा के जरूर आना यार, और जब मैं ना बिना मास्क के शूट करता हूँ ना, तो मोस्टली इग्नोर करता हूँ कि भीड़ ना हो वहाँ पे। तो मैं ना टॉप फ्लोर पे हूँ उस टाइम, इसके ऊपर टॉप है ना, अभी बहुत ऊपर है यार, मतलब देखो ऊपर देखो, ठीक है यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे अलाउ है, पर जो ट्राईपॉड का छोटा वाला ट्राईपॉड है मेरे पास, वो यहाँ अलाउ नहीं है, कह रहे हैं यहाँ कैमरा है। सबसे अच्छी चीज पता मुझे यहाँ पे क्या लगी, दिस वन, ये जो कांच लग रखा है ना, उससे जो सामने सूरज की रोशनी पड़ती ना, तो बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आता है, काफी लोग। एक और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी, मैं यहाँ पे बड़ा खुल के ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ, मुझे किसी से कोई शर्म नहीं आ रही, क्यों यहाँ मेरे को कोई जानता ही नहीं है, शायद इधर से है ना ऊपर का रास्ता। मेरे को टॉप पे जाने का बड़ा मन है, उससे ज्यादा बड़ा है ये, जितना बाहर से छोटा लग रहा था, वो किसी का घर जैसा है देख। सीधा टॉप फ्लोर, यहाँ से ये व्यू आता है, ये शायद मेरे ख्याल से ना ये सामने आमेर का किला है, सामने आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ शायद अभी हम जाएंगे। व्यू लोग बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, मतलब डर लग रहा है, तो लिटरली बहुत ऊंचा है यार। हवा महल का सीन ये है कि अगर आप जब उसके टॉप फ्लोर पे आओगे ना, तो आपको बहुत अच्छी हवा लगेगी, क्योंकि नीचे तो आपको ऐसा मतलब कुछ फैन मुझे नहीं लगा कि कुछ खास है, बट जब सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आओगे, इस टाइम हम सबसे टॉप फ्लोर पे हैं, व्यूज मैंने आपको दिखाई दिए कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं, तो अब समझ में आया कि इसको हवा महल क्यों कहते हैं। मुझे पहले ये लगता था कि वहाँ बहुत सारी विंडोज हैं इसलिए हवा आती है, जो मेन फैक्ट इसका ये है कि टॉप फ्लोर पे आओगे ना तो आपको हवा फील होगी, क्योंकि सामने मेरा किला है। ठीक है रीजन, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कैसा क्या लग रहा है। तो फाइनली हम आ गए पार्किंग में, तो मैं अपना ओवरव्यू देता हूँ पूरा हवा महल का, कि देखो जब आप फैमिली के साथ आते हो तो बच्चों को जगह काफ़ी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि है ना बहुत कंजस्टेड है, बड़े लोगों के लिए ठीक है क्योंकि वहाँ छोटे छोटे जीने हैं और आपको मास्क भी लगाना पड़ेगा, तो मैंने बहुत सी का वीडियो शूट भी नहीं कर पाया, इस वजह से मास्क लगा रहा था, थोड़ा सा अनोइंग लग रहा था। और आप आ सकते हो, 50 रुपये की टिकट है पर पर्सन की, बाकी तो ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा है वो मैं बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, अभी यहाँ से बस मैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए निकलूँगा। तो एन्जॉय द वीडियो, कीप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, थैंक यू।